हेलो दोस्तों, इंतज़ार ख़त्म हुआ। विंटर फ्लावर नर्सरी में खूब सारे आ गए हैं, कलरफुल, लाल हरे नीले पीले और हरे हरे। इतना मस्त नर्सरी लगती है। मैं सोच रही थी मैं घूमने जाऊंगी, लेकिन फिर भी लेके चली आई हूँ इतने प्लांट्स। मतलब सर्दियों के प्लांट्स हों, गर्मियों के प्लांट्स हों, मतलब इतना मन खुश कर देते हैं कि बिना मतलब दिल ही नहीं करता लेके आने का। मैं इतने सारे प्लांट्स ले आई हूँ, जबकि मैं गई थी तो सोच के गई थी मैं एक भी प्लांट्स लेके नहीं आएंगी। और देखिए दोस्तों, प्लांट्स मेरे घर पे आ चुके हैं। अब ये सीढ़ियों पे हैं, सीढ़ियों से फिर टेरेस पे जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, क्योंकि ये प्लांट्स का शौक मुझे है, इसलिए मेहनत भी मुझे ही करनी है। मैं बहुत सारे प्लांट्स लेके आई हूँ, और थोड़ा थोड़ा सीढ़ियों से फिर ये टेरेस तक चले जाएंगे। अब हेलो फ्रेंड्स, देखिए विंटर की शॉपिंग हो गई है प्लांट्स की। ये इतने सारे प्लांट्स मैं ले आई हूँ, जिनके मुझे अभी नाम भी नहीं पता है। आप लोगों को पता हो तो ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ही सुंदर लगे मुझको, एकदम लाइक रोज। अगर ये सारे अच्छे से चल गए ना, तो रोज प्लांट की मुझे कमी नहीं खलेगी। बहुत ही अच्छे हैं ये। तीन प्लांट लाई हूँ, एक ये नीला और एक ये इस कलर का पिंक, एक ये डार्क पिंक। और ये दोस्तों, ये तो पिटोनिया हैं, ये तो सबको ही पता होते हैं। ये दो कलर में लेके आई हूँ, और बाकी मैं पहले लाई थी, उसका अभी फ्लावर नहीं खिलाया, तो वो भी पता नहीं किस कलर के होंगे। और ये भी दोस्तों देखिए, इसके भी नाम सबको ही पता होंगे, मैं तो उसको तितली वाला प्लांट बोलती हूँ। ये भी बहुत अच्छा बास्केट कवर कर लेता है। और दोस्तों, मेरे पास ये सेकुलेंट नहीं थे एक भी, मैं ये भी ले आई हूँ दो इस बार। देखते हैं मैनेज कर पाते हैं या नहीं। बहुत ही सुंदर लगते हैं ये, और अगर ये अच्छे से चल गए ना, तो पूरा गमला भर जाता है इनों से। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर अगर अलग करना चाहें तो ये एक दो तीन चार और एक ये पांच, लेकिन मैं अभी इसको छेड़ूंगी नहीं। इसके बारे में गूगल देवता से सारी जानकारी लेके, आप लोगों के वीडियो देख के इसका कुछ नॉलेज ले लूं। मैं इसको पहली बार लाई हूँ अपने गार्डन में। और ये भी दोस्तों मैं लाई हूँ, ये सर्दियों में थोड़ा बचाना मुश्किल है सब में, लेकिन मेरे को अच्छे लगे। ये बास्केट भर जाएगा ना, अच्छा लगेगा। और ये देखिए दोस्तों, बड़े वाले, ये देखिए बड़े वाले गेंदे। और ये छोटा सा है ये, मतलब नीचे नीचे भरेगा इससे गमला, ये लंबू नहीं होएंगे। ये अलग वैरायटी है, ये अच्छा लगा मेरे को, ले आई हूँ। लाने का शौक है, केयर भी करते हैं, लेकिन ये हमारे घर आके इतना मस्त नहीं रहते जितना ये देखिए नर्सरी से लाने के बाद। ये पता नहीं ये लोग कौन सा खाद डालते हैं, जो वहाँ ये इतना सुंदर लगते हैं, और घर पे इतना रौनक नहीं आती इनकी। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर, ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा। और ये चीज़ दोस्तों, ये देखिए, ये भी सकुलेंट है। ये मैंने उनसे पूछ के ले ली थी, और देखते थे आप सभी लोगों का वीडियो कि ये एक पत्ती से लग जाता है, तो ट्राई करेंगे। अगर लग जाएगा तो ठीक, मैं कौन सा ये पैसे से लाई हूँ। ये ऐसे ही वहाँ माली काम कर रहे थे, तो उनसे मैंने ले लिया था। इसको भी, इसको मैं अभी लगा के ओके कर दूँगी, और बाकी मेरे सारे इसी में रहेंगे। किसी को मैं अभी रिपोर्ट नहीं करूंगी, केवल ये चार करने हैं, क्योंकि ये जो है ना बैग में है, इसलिए। बाकी सारे पॉट में है, तो कोई टेंशन नहीं है, इसको छेड़ना नहीं है एक सीजन इसका, क्योंकि छेड़ने से क्या होता ना कि वो दिक्कत हो जाएगी थोड़ा। बस इसी में मैं थोड़ा क्लीनिंग करूंगी इनकी, प्लांट्स की, जो भी डिस्टर्ब हैं थोड़े।
तो बस दोस्तों, जब इसका अपडेट देते रहेंगे कैसा है, और मेरी विंटर की शॉपिंग अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक एंड शेयर, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। ओके बाय, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, गार्डनिंग करते रहिए।